Hello everyone, I will teach you subject Hindi. We will start part 26. तो आज हम करेंगे part 26 की exercise. Okay? हमारा lesson का name है सेहत की बात. टॉपिक है हमारा सेहत की बात पार्ट 26. हाँ जी, आप ओपन करें पेज नंबर 78. जो भी आपका वर्क होगा एक्सरसाइज का, वो आपने किस में करना है, अपनी बुक में. पेज नंबर 78 पे आपका विचार कीजिए मौखिक. प्रश्न दे रखे हैं जो आपने ओनली लर्न कर लेते हैं, उसे लिखना नहीं होता. क्या हमें दूसरों की हंसी उड़ानी चाहिए? हमें दूसरों की हंसी उड़ानी चाहिए? नहीं. कौन सा खेल सेहत के लिए अच्छा है? कौन सा अच्छा होता है? दौड़ वाला. कौन सा अच्छा होता है? दौड़ वाला. तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? कौन सी सब्जी पसंद है? हरी सब्जी पसंद है. तुम्हें कौन सा फल अच्छा लगता है? तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? इसमें आप ये भी लिख सकते हो, आपको कोई भी सब्जी पसंद है, आलू मटर, गोभी, पालक, आपको जो भी सब्जी पसंद है आप नाम भी लिख सकते हो उसका. तुम्हें कौन सा फल अच्छा लगता है? जो आपको फ्रूट अच्छा लगता है आप उसका नाम बोल सकते हैं. क्या तुम रोज दूध पीते हो? यस. रिपीट अगेन. क्या हमें दूसरों की हंसी उड़ानी चाहिए? नहीं. कौन सा खेल सेहत के लिए अच्छा होता है? दौड़. तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? आप अपनी जो आपको अच्छी लगती है सब्जी वो आप बोल सकते हैं. तुम्हें कौन सा फल अच्छा लगता है? जो तुम्हें फल अच्छा लगता है आप वो बोल सकते हैं. क्या तुम रोज दूध पीते हो? नहीं. तो हमारा पार्ट है 26, जिसके हमने मौखिक प्रश्न अभी किए हैं. अब हम नीचे करने जा रहे हैं क्या भूले क्या या किसने कहा. मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, समीर ने कहा या मम्मी ने कहा? समीर. तो आप किस पे टिक करेंगे? समीर. क्यों, क्या हुआ? समीर ने कहा या मम्मी ने? मम्मी ने. हाथी भी तो मोटा होता है, किसने बोला? समीर ने या मम्मी ने? समीर ने बोला था ना कि हाथी मोटा होता है. बैठे बैठे भी हम मोटे हो जाते हैं, ये किसने कहा, समीर ने या मम्मी ने? यस, मम्मी ने कहा. मैं दौड़ में प्रथम आना चाहता हूं, किसने कहा, समीर ने कहा या मम्मी ने? समीर ने. जब तक आप लेसन रीड नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा किसने कहा, किसको कहा. रिपीट अगेन. मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, किसने कहा, समीर ने या मम्मी ने? समीर ने. क्यों, क्या हुआ? समीर ने कहा या मम्मी ने? मम्मी ने. टिक लगाओ.
हाथी भी तो मोटा होता है। समीर ने कहा या मम्मी ने? समीर ने, तो समीर के फर्स्ट सर्कल में टिक करें। बैठे बैठे भी हम मोटे हो जाते हैं, समीर ने कहा या मम्मी ने? मम्मी ने, तो सेकंड सर्कल में आप टिक करें। मैं दौड़ में प्रथम आना चाहता हूँ, समीर ने कहा या मम्मी ने? समीर ने, तो समीर के फर्स्ट सर्कल में आप टिक कर दें। नेक्स्ट आपका दिया हुआ बेटा एक वचन और बहुवचन, इसको कैसे मिलाना है आपको बता देती हूँ मैं। जैसा कि हमारा दे रखा है, यहां दे रखा है एक वचन, आपकी बुक में ही है बेटा, और फिर इधर दे रखा है आपका और बहुवचन को मिलाइए। जैसे हमारे पास दे रखा है सब्जी, रोटी, दवाई, बीमारी, मिठाई, ठीक है, इसको हमने बहुवचन से मिलाना है। मिठाइयां, बीमारियां, सब्जियां, दवाइयां, रोटियां, ठीक है बेटा। हमने क्या करनी है बैचिंग, जब हमारी एक से अधिक चीजें होती हैं उसको हम कहते हैं बहुवचन। सब्जी, सब्जियां, रोटी, रोटियां, दवाई, दवाइयां, बीमारी, बीमारियां, मिठाई, मिठाइयां। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट हमारा नीचे है सेकंड में कि पाठ में प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा के इन शब्दों का उच्चारण करो। हमारे ये अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं, स्कूल, पिज्जा, नूडल्स, चिप्स, टीवी, पार्क, टिफिन, ये हम इंग्लिश में लिखते हैं, मगर ये हमें हिंदी में भी हम इसका ऐसे ही लिखते हैं एज इट इज। नीचे दिया हुआ है रंग भरे दिए गए चित्र में सुंदर रंग भरे। एप्पल दिया हुआ है, आप इसमें क्या करोगे, रेड कलर करोगे और ग्रीन कलर का आप क्या है इसकी पत्ती करोगे, और इसकी जो डंडी बनी है उसमें
ब्राउन कलर का। ओके, अब मैं आपको इसके कठिन शब्द करा देती हूँ। ये तो आपका था बुक का वर्क, जो आपने किसमें करना था, अपनी बुक में। अब मैं जो आपको कराने जा रही हूँ, आपने किसमें करना है, अगर आप नोटबुक में करेंगे। आप बुक में जो एक्सरसाइज है वो आपने बुक में ही करनी है, जो आपका नोटबुक का वर्क है आपने नोटबुक में ही करना है। हाँ जी, आप हेडिंग डालें पार्ट 26 डेट CW और लिखें कठिन शब्द। हेडिंग डालें बेटा पार्ट 26 कठिन शब्द, हेडिंग डालें। मम्मी, राइट डाउन करें अपनी नोटबुक में, मां आधा मां मी मम्मी, राइट डाउन करें। सेकंड है आपका तबीयत, तबीयत, राइट डाउन करें तबीयत। नेक्स्ट है आपका मुंह, ह ऊपर चंद्रबिंदु लगाएंगे, क्या बन जाएगा, मुंह, राइट डाउन करें मुंह। नेक्स्ट है आपका प्रथम, प र थ म, प्रथम, राइट डाउन करें प र थ म, प्रथम। नेक्स्ट स्टेप का बो ज न, भोजन, राइट डाउन करें भो ज न, भोजन। ये आपने अपने को नोटबुक में भी करके देखना है। पकोड़ी, राइट डाउन करें प को अड़ी, पकोड़ी। आदस वा दि श ट, स्वादिष्ट, राइट डाउन करें स्वादिष्ट।
एक बारी मैं आपको रीड करा देती हूँ, ये आप अपनी रफ कॉपी में इसकी रिवीजन करेंगे। ये क्यों ज़रूरी होता है पता है आपको, कि आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे ना तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी, इन शब्दों की आपकी मिस्टेक नहीं होगी। फर्स्ट है आपका मम्मी, सेकेंड है आपका तबीयत, थर्ड है आपका मुंह, फोर्थ है आपका प्रथम, फिफ्थ है आपका भोजन, सिक्स्थ है आपका पकौड़ी, सेवन्थ है आपका स्वादिष्ट। आप किस पे लिखेंगे, अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करेंगे। ओके, अब हम करने जाएंगे शब्दार्थ। नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे शब्दार्थ। नेक्स्ट पेज ओपन करें, पार्ट 26 लिखें और यहां लिखें शब्द, यहां लिखें अर्थ। हेडिंग लिखें बेटा, पहले आप लिखें शब्द, पार्ट 26 दोबारा से लिखना है आपने, सही पार्ट 26। एक साइड आप लिखें शब्द और दूसरी साइड लिखे अर्थ। तो हमारा फर्स्ट क्या है, भोजन, राइट डाउन करें, लिखे भोजन। भोजन का क्या मीन्स होता है, अर्थ क्या होता है, खाना। क्या होता है भोजन का, हम क्या लिखते हैं, खाना। नेक्स्ट है आपका प्रथम, लिखे प्रथम। पहला राइट डाउन करें, प्रथम, पहला। ये आपके टू ही शब्द हैं जो आपने अपने नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट है हमारा भोजन, भोजन को क्या कहते हैं, खाना। सेकेंड है हमारा प्रथम, प्रथम क्या होता है, पहला। तो आपने आज क्या करना है, एक तो अपनी एक्सरसाइज अपनी बुक में राइट डाउन करनी है, और जो आपका नोटबुक का वर्क है वो क्या है, आपके कठिन शब्द और शब्द अर्थ आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, कंप्लीट योर वर्क।